आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमर कस ली है। आरएसएस को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सेवा दल फिर एक्टिव हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेवा दल को स्वायत्तता देकर मजबूत बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सेवा दल ने कांग्रेस को उसकी खोई साख लौटाने के लिए जमीनी रणनीति बनाई है। अपनी नई रणनीतियों के साथ ही आज कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय संगठक के पांडे जबलपुर में सेवा दल पदाधिकारी और मीडिया से रूबरू हुए। पांडे ने दावा किया कि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन से जोड़कर सेवा दल प्रदेश के बूथ लेवल तक सक्रिय होगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर आरएसएस को पटखनी देगा। संगठन से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया है, जिसमें नए जमाने को देखते हुए कार्यकर्ताओं का ड्रेस कोड कुर्ता पैजामा की बजाय ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट होगा। आरएसएस अगर अपना प्रतिनिधि सेवा दल को कांग्रेस मानती होगी तो उसकी विचारधारा है। कांग्रेस को ताकत देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, यही हमारी जीत है। और जब ये जीत होगी तो हम उठके पर जीत अपनी समझेंगे। परंतु युवकों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये गणवेश उनको दिया है, उसके माध्यम से वो बूथ लेवल पर उनका सेवा ली जाएगी, सामाजिक कार्यक्रमों में सेवा ली जाएगी।